शादी के पहले अपने जोड़ीदार में यह छह चीजें देखो और बाद में शादी करो, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। आजकल ऐसा हो गया है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत कॉमन हो चुका है। उम्र में आने के बाद में अपने जो हॉर्मोन्स शरीर के अपने को चुप नहीं बैठने देते, और सोशल मीडिया के माध्यम से हर लड़की को अपना बॉयफ्रेंड है और हर लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड है। कोई भी चीज अपोजिट सेक्स वाली कोई भी व्यक्ति हम देखते हैं, अपोजिट सेक्स कोई व्यक्ति देख लिया तो उसके वो प्यार में हो जाता है, मतलब उनका प्यार हो जाता है। और आजकल तो सोशल साइट्स इतनी बहुत ज़्यादा है कि उसमें कोई भी अनजान व्यक्ति से भी आप बातचीत करना चालू करते हैं और प्यार में आ जाते हैं, बाद में शादी का प्रस्ताव आता है, बाद में शादी कर देते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका कि शादी माँ बाप ने तय की हुई है, लड़की देखी हुई है, लड़का देखा हुआ है पहले, और अरेंज मैरिज है वो भी हो सकता है। मगर मैरिज होने के पहले भी लोग, मतलब लड़का लड़की अपने से आपस में बातचीत करते रहते हैं। तो ये जो पीरियड है शादी के पहले का, इसमें कौन सी चीजें देखना चाहिए अपने जोड़ीदार में, यदि आप देखते हैं तो बाद में जो प्रॉब्लम आते हैं वो आएंगे नहीं। तो सबसे पहले नंबर एक वो चीज है कि भाई अपना जोड़ीदार जो है वो मांग रहा है कि दे रहा है। क्या होता है कि लड़की है वो आपसे बहुत सारी डिमांड कर रही है, क्या मुझे ये होना वो होना, बहुत खर्चा करने लगा रही है, क्या उसको वास्तवता का भान नहीं किया कि हम क्या कर रहे, इतना सारा पैसा है क्या लड़के के पास में, या लड़का भी लड़की के पास में बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, क्या तूने ये नहीं करना, मोबाइल नहीं चलाना, मुझे मेरे से इस समय बात करना चाहिए, मेरा मोबाइल मतलब मेरा फ़ोन आ गया तो तुरंत फ़ोन उठाना चाहिए, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्या। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है तो प्रॉब्लम आता है। तो डिमांड करने वाला है क्या कि मेरे को आपसे चाहिए, या मैं देने वाला हूँ क्या, मैं आपका समय दे रहा हूँ, मैं प्यार दे रहा हूँ, मैं बातचीत अच्छी कर रहा हूँ, तो वो हमको देखना है नंबर एक। नंबर दो, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं क्या, क्या पूरा फोकस अपने आप के ऊपर है, सब मैं बातचीत में सब आ रहा है क्या, तो वो आता है तो प्रॉब्लम है। एक दूसरे की केयर हम कर रहे हैं क्या, वो लड़का लड़की की केयर, लड़की लड़के की केयर कर रहे, और फिर उसमें एक दूसरे की केयर करते पूछ रहे एक दूसरे को, आपस में बातचीत करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चाहिए आपको, तो केयर करता करने करते हैं, इसका मतलब ऐसा है कि सामने वाला क्या डील कर रहा है, क्या चाहिए उसको। तीसरा है कि आप जब साथ में बैठते उठते हैं तो आपका एक दूसरे के ऊपर विश्वास है क्या, सच्ची बोल रहे हैं क्या, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, सस्पिशियसनेस है क्या, शक आ रहा है क्या, या उसके ऊपर आपका विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास यदि होता नहीं है आपको डाउट आ रहा है। और डाउट क्यों आ रहा है, क्योंकि एक दो बार उसने ऐसा बोला और आपको विपरीत दिखा उसके, उसने कुछ तो भी बोला और आपको मालूम पड़ा कि ये फैक्ट नहीं थी, तो आपका विश्वास उड़ गया। तो ऐसा बार बार हो रहा है क्या कि आपका मतलब सच्चा ही नहीं बोल रहा है वो, और आपको ऐसी शक आ रही है। और दूसरा यह है कि मतलब ऐसा आपको लग रहा है कि उनका और किसके साथ में दोस्ती है, और किसके साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा कभी भी कुछ हुआ तो प्रॉब्लम आ सकता है, तो शकीली व्यक्ति है क्या सामने वाली, वो देखना है। फिर नंबर चार जो है कि आपको आपस के रिलेशनशिप में एक दूसरे के साथ में जब बैठे तो रिलैक्स लगता है कि टेंशन लगता है, तो वो देखना है कि आप रिलैक्स है, बातचीत अच्छी कर रहे हैं, क्या टेंशन लगता है। टेंशन मतलब एक दूसरे की गलतियां निकालना, झगड़े झंझट करना, एक दूसरे को कोसना, मतलब ये कर रहे हैं क्या, तो वो हमको देखना है कि वो आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भाई एक दूसरे के साथ में जब बैठते तो रिलैक्स है ना, जस्ट बी एट होम ऐसा बोलते हैं ना, एकदम आराम है, रिलैक्स है, लगता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल एक मेरे व्यक्ति के पास में बैठा हूँ या बैठे हूँ। पांचवा जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है, कि भाई अंडरस्टैंड करने वाला है क्या, है ना, कुछ लॉजिकल थिंकिंग वाला है क्या कि इलॉजिकल थिंकिंग वाला है, कोई अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, समझ रहा है कि नहीं है, कोई समझ है क्या कि ना समझ ऐसी कुछ बातें कर रहा है। अभी ना समझ ऐसी बातें मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आप मेरा फोन आने के बाद में तुरंत आपने फोन एक ही घंटे में उठा नहीं चाहिए, एक घंटे में एक घंटे आगे एक बेल आगे आपने उठाया नहीं, या फिर आपका एंगेज लगा, इसका मतलब अभी मुझे डाउट आ रहा है, या इसका मतलब आप मुझे मेरी केयर नहीं कर रहे, मतलब ऐसा कुछ भी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, या फिर छोटी बात के ऊपर झंझट फिर कर देना वो कर रहा है क्या। छठवां जो पॉइंट है वो है कि सामने वाले का फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कैसा है, कि भाई उसको जब चीज चाहिए तो कितने देर तक वो रुक सकता है वो चीज ना मिले तो। कुछ लोग ऐसे होते कि जो मांग लिया वो चाहिए, और वो चाहिए उनको, नहीं तो फिर वो धूमधाम कर देंगे, बिल्कुल रुका नहीं जाता है, टॉलरेट नहीं कर सकते वो, बिल्कुल जैसा डिमांड किया वैसा उनको तुरंत चाहिए, और नहीं दिया तो फिर झंझट झगड़ा कर लेंगे, उसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस। तो फ्रस्ट्रेशन
होता है जब, तो उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो टॉलरेट कर सकते हैं तो वो देखो, तो वो भी होना जरूरी है। तो ये छह चीजें जब आप करते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि सामने वाला व्यक्ति है कैसा, उसका स्वभाव कैसा है, फिर आप उसके साथ में, हो सकता है कि यही छह चीजें नहीं, काफी सारी चीजें होंगी, मैं तो एक थोड़ा सा उसका एक समरी दिया, तो आपको ऐसा लगा कि और भी चीजें हो सकती है या होंगी तो भी आप देख सकते हैं, मगर एक मैंने मोटा मोटा हिसाब आपको दिया कि चीजें आप देखते हैं तो आपको एक सामने वाले के बारे में कुछ आइडिया आ जाएंगी, और फिर आप उससे फिर कैसा व्यवहार करना, आगे बढ़ाने की नहीं बढ़ाना दोस्ती, ये समझेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि साल साल दो दो साल लोग एक दूसरे को पहचानते हैं और फिर शादी हो जाती है, और शादी होने के एक महीने में डिवोर्स की बात आती है, ये कैसा क्या हो गया, क्योंकि पहले जो था वो कभी देखा ही नहीं दूसरे को, पहले जो था वो अंधा प्यार था, ये जो मैंने अभी छह चीजें बताई उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, बस एक ही चीज है कि बस प्यार है और शादी करना है, एक दूसरे के साथ में रहना है। मतलब बोल कौन रहा है, बोल रहे वो हार्मोन्स अंदर के, सेक्स हार्मोन्स, कि जो आपको बोल रहे कि नहीं अभी ये करो, या फिर वो हार्मोन जो है वो आपको चला रहे, आपकी बुद्धि नहीं चला रही, तो ये बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग से काम लेके देखना पड़ेगा, और बाद में ठहरना, मतलब आपको पक्का करना पड़ेगा कि शादी करना कि नहीं करना। तो जरूर आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि शादी करने के पहले या दोस्ती करने के पहले आप ये चीज देखेंगे और फिर वहां से निर्णय लेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।